गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11, इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेट, यूजेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, ठीक है, एंड हाउ वी कनेक्ट इंटरनेट। ओके, सो दिस इज पार्ट वन video of this chapter, and today we will discuss only some terms related to this chapter. Okay, and it is very interesting chapter, because in today's life we haven't expect without internet anything. Okay, and you all run your class, online class, go through any types of video through internet. Okay, so you all use that term, सभी लोग use करते हैं, but what is इट है, क्या ये, इसके बारे में हमें और जानना है। ओके, सो आवर टूडेज टॉपिक इज इंटरनेट। सो हियर फॉर फर्स्ट वन द इंट्रोडक्शन, द इंटरनेट और नेट, दैट इज इन ब्रैकेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इज अ लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर यूजर्स। ओके, सो स्टूडेंट, इन फर्स्ट लाइन द फर्स्ट स्टेटमेंट से इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, यू ऑल नो व्हाट इज नेटवर्क्स, व्हेन वी डिफरेंट थ्री और फोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, देन दे फॉर्म नेटवर्क। ओके, एंड व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ, ठीक है, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क बना, ठीक है, सेकेंड नेटवर्क, ठीक है, थर्ड, ऑल दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू एस्टेब्लिश इंटरनेट। ओके, नाउ इन सेकेंड स्टेटमेंट द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन बिटवीन इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। ओके, दिस कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस वाया कम्युनिकेशन चैनल्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया अलाउड टू शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। वाई वी इस्टेब्लिश नेटवर्क, हम क्यों नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, इन योर होम यू गो थ्रू इंटरनेट, ठीक है, और हम क्या करते हैं, या तो ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्ट करेंगे, या फिर अगर दूसरे सेलफोन में नेट एक्सेस करना है तो हम वाईफाई ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म वी कनेक्ट आवर डिवाइसेज ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक छोटा इंटर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो सिंपली वी से कि इन अ सिंपल वर्ड वी से नेटवर्क इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज, टू शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो वी हम उससे क्या, कोई भी चीज़ें उस डिवाइस से, सेकेंड डिवाइस जिससे हम कनेक्ट किए, हम सेंड कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं ना। जनरली नो बडी ओन इंटरनेट, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि जनरली ये पर्टिकुलर किसी का, क्योंकि अभी तक आप पढ़ते आए ना कि फेसबुक डेवलप बाय दिस पर्सन, ठीक है, डब्ल्यू डेवलप बाय दिस पर्सन, तो यहाँ पे ये नहीं है कि जनरली नो बडी ओन द इंटरनेट, ठीक है। वी डिस्कस हियर मोर अबाउट दिस टर्म, द वर्स्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क विच फॉर्म एंड एक्ट एज अ सिंगल ह्यूज नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा एंड मैसेज अक्रॉस डिस्टेंस विच कैन बी एनी वेयर द सेम ऑफिस एनी वेयर इन द वर्ल्ड। ओके, तो क्या है कि इंटरनेट एज अ, अगर हम बात करें तो वास्ट कलेक्शन ऑफ क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क ही तो है ना, अलग अलग हर जगह का कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड इन फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इफ वी वॉन्ट एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन देन वी गो थ्रू इंटरनेट। ओके, हियर सम हिस्ट्री टर्म वी डिस्कस अबाउट द इंटरनेट, अरपा, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पे ARPA, अरपा, ठीक है, और इसी के आगे आपका नेट लगा हुआ होता है, अरपा नेट, ठीक है, ए फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एंड नेट फॉर नेटवर्क। ओके, सो वो ये टर्म है क्या, अरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 जनवरी 2 स्टार्टेड एन एक्सपेरिमेंट कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया,
कंसेप्ट नो सर्वर बट इक्वल इम्पॉर्टेंट एंड पार्टिसिपेशन टू एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क। और उन्होंने कंसेप्ट क्या रखा कि कोई अलग से सर्वर मेन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, जैसे इन अ नेटवर्क, उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर सिस्टम को एज अ हेड बनाया जाता है जिसको सर्वर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इस प्रैक्टिकल का कंसेप्ट क्या रखा कि नो सर्वर बट इक्वल, सभी कंप्यूटर्स को इस नेटवर्क में इक्वल जो है पार्टिसिपेशन मिलेगा, ठीक है। इवन इफ वन और टू नोड डिस्ट्रॉय डैट विल नॉट अफेक्ट द नेटवर्क, ठीक है। अगर उसके एक या दो नोड भी डिस्ट्रॉय भी होते हैं तो भी वो नेटवर्क जो है अफेक्ट नहीं करेगा नेटवर्क को, ठीक है। नाउ 1982 द वर्ड इंटरनेट स्टार्टेड। 1986 फर्स्ट फ्री नेट क्रिएटेड इन केस वेस्टर्न रिसर्च यूनिवर्सिटी। 1991 US गवर्नमेंट एंड अलाउ बिजनेस एजेंसी टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक है। नाउ ऑल पीपल कैन कनेक्ट द इंटरनेट एंड इम्प्रूव देयर लाइफ एंड वर्ल्ड क्वालिटी। द इंटरनेट सपोर्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। सो हु डेवलप द इंटरनेट, द फादर ऑफ, जो मेन एज अ कहा गया, ठीक है, फादर ऑफ इंटरनेट दैट इज विंटन सर्फ, ठीक है, को डिजाइनर ऑफ द TCP एंड IP नेटवर्क प्रोटोकॉल, ठीक है, इन्होंने इसको भी डिजाइन किया था। नाउ दिस इज अ सिंपल डायग्राम हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट, ठीक है, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट, ठीक है, हाउ वी कनेक्ट टू इंटरनेट। हियर इंटरनेट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एनी कंपनी और मोबाइल कंपनी और डिफरेंट और वी बाई अ सेल फोन फ्रॉम एनी शॉप, दे ऑफर डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, उनके अलग अलग क्या सर्विसेज है वो ऑफर करते हैं। जस्ट लाइक दिस इफ वी एक्सेस इंटरनेट देन दे ऑफर डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है, एंड वॉट दे सर्विसेज आर www, वेब पेज, वेब पब्लिशिंग, सर्च इंजन प्रोटोकॉल, TCP, ठीक है, चैटिंग, FTP और ईमेल, ठीक है, ईमेल जो आपका अभी मोस्ट यूजर फ्रेंडली यूज्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन जो अभी यूज हो रहा है दैट इज ईमेल, ठीक है, न्यूज ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दैट इज ऑल सर्विसेज बाय आवर इंटरनेट, ठीक है। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन हियर द वर्ल्ड वाइड वेब, www, द फुल फॉर्म ऑफ www, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली नोन एज वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस वाया द इंटरनेट, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट वी एक्सेस डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू www, एंड वॉट इज www, इन दैट टर्म ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट टेक्स्ट, इमेजेस दैट आर हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विथ रेफरेंस टू अदर टेक्स्ट दैट रीडर्स कैन इमिडिएटली एक्सेस। हाइपर मीडिया इज यूज अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द टर्म हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, एंड क्रिएटर हु क्रिएटेड www, टीम बर्नर्स-ली इन 1989, एंड हियर यू सी, ठीक है, टीम बर्नर्स-ली हु इन्वेंटेड अ www वाइल वर्किंग एट CERN, द यूरोपियन प्रैक्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है। Now, difference between web, that means www and internet, in your mind, when you go through this video, तो आपको ये आता होगा आपके mind में कि www और internet, इन दोनों में difference क्या है, because दोनों ही internet से related चीज़ें लगती है, ठीक है। So student, internet collection of networks that connect millions of the computer systems, ठीक है, बिजनेस एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है जो कि किसको किसको जोड़े हुए हैं, मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट्स, एजेंसीज, एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। एंड वॉट इज www, द मीन्स वी यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, क्या है, द मीन्स दैट वी यूज विद द हेल्प ऑफ वी यूज द एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है, दैट मीन्स कि वी यूज इंटरनेट का यूज करके हम www थ्रू के ही थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, स्पेशल लिंक, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सेस।
Now, the most used features by user, that is in email, electronic mail, ठीक है, a written message that is sent and received over the internet. That message sent electronically, ठीक है. You type text message और आप हमें text message send करते हैं, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई service जो net के through, इंटरनेट के थ्रू आपको चैटिंग करने का या डॉक्यूमेंट का या फिर अटैचमेंट ईमेल सेंड करने का कोई ऐसा फीचर्स दे, दैट इज ईमेल. ओके, द मैसेज कैन बी फॉर्मेट एंड इन्हांस विद ग्राफिक्स एंड मे ऑल्सो इंक्लूड अदर फाइल्स एंड अटैचमेंट. ठीक है, एग्जाम्पल आप इस तरह का कुछ एक अकाउंट देखते होंगे, ठीक है, @gmail.com इस तरह से करके कुछ, ठीक है. And here, most, very very important, the last point, most email on the internet uses the simple mail transfer protocol. ठीक है, this protocol responsible to access the email proper way. This is the simple structure. Now, uses of internet, search information on any topic, share information with others, ठीक है, buy or sell product, for example, e-shopping, ठीक है, listen music, watch me, different video, ठीक है. So, besides it, there were different uses of internet, ठीक है. इन एवरी फील्ड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है ना सबको, वीडियो भी एक्सेस कर सकते हैं, फोटोज, ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, म्यूजिक, फाइनेंस, न्यूज, सोशल नेटवर्किंग. ठीक है, नाउ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, वी यूज इट दिस इन कम्युनिकेशन, फॉर रिसर्च पर्पज ऑल्सो यूज, ठीक है, कोई एजुकेशन पर्पज, जैसे कि आप टीचिंग करते ही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर अपडेट्स, ठीक है, वी यूज, अरे सॉरी, द एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. नाउ स्टूडेंट, देयर इज ओनली वन टॉपिक लेफ्ट फॉर टूडेज क्लास, दैट इज एडवांटेज ऑफ ईमेल. ईमेल का यूज करने का क्या एडवांटेज है? अगर हम बात करें, विदाउट ईमेल वी सेंड द टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम आवर सेलफोन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं मैसेज में जा करके, ठीक है, बट हियर वी यूज द ईमेल, ठीक है, जो कि नेट के थ्रू हमारा एक्सेस होगा. तो इसके क्या एडवांटेज हैं? So here the first one is speed. Its speed is very fast. ठीक है, जैसे ही हम कोई ईमेल सेंड करते हैं कुछ ही सेकेंड में हमारे रिसीवर तक पहुंच जाता है. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, चीप है. एंड हियर कंटेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हम इसमें कोई भी अटैचमेंट लगा के हम अपने फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हैं. एंड हियर इज चैटिंग, एंड यू ऑल नो, ठीक है, चैटिंग इज वेरी पॉपुलर फीचर्स ऑफ द इंटरनेट. For the chatting purpose, different sites we use, Facebook, WhatsApp, ठीक है, Insta, LinkedIn, different types. FTP, file transfer protocol, that transfers our file over a network, ठीक है, network में इसका use होता है. और ये किस पे ज़्यादा focus करता है? जब हम file अपनी एक जगह से दूसरे जगह या exchange या share कर रहे हैं, तो this protocol that is very very helpful. ठीक है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि an FTP server allow and upload download file using FTP. So student, this is all about our today's class. After watching video, you all read the chapter also. ठीक है, only the term that we discuss in this video. Okay, and in next video we learn more about internet.